कैसे है आप लोग? सब ठीक ठाक है ना? हम भी ठीक है। आज एक और नया चीज चलिए बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। मूंग दाल पराठा। आप लोग तो चना दाल का पूरी, हम लोग गांव में तो पूरी बोलते थे। हमारे गांव में मूंग बहुत होता था, तो पूरी बरसात के दिन में खूब बनता था, घुघनी बनता था मूंग का, और मूंग के दाल का पराठा बनता था, तो हम लोग पूरी बोलते थे छोटे थे। अब तो पराठा बोलते हैं, तो चलिए पराठा बनाते हैं। आप लोग भी देखिए कैसे बनाते हैं। ये देखिए, एक कटोरी से हम 2 कटोरी दाल लिए हैं, अपना अनुसार बनाइए। एक कटोरी दाल लेके भी बना सकते हैं। हम 2 कटोरी दाल लिए हैं और 4 कटोरी पानी डाले हैं, और इसको हम बॉयल करने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, कुकर में रखे हैं कि जल्दी हो जाएगा, तो इसमें हल्दी डाल देते हैं। हल्दी डाल दिए, थोड़ा सा नमक डालते हैं, थोड़ा नमक अभी डालते हैं और बाद में नमक डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नमक डालते हैं और बाद में डालेंगे जब एक बॉयल हो जाएगा। एक सीटी आएगा, बंद कर देंगे। एक सीटी तेज में आएगा, फिर कम कर देंगे थोड़ा देर, फिर बंद कर देंगे। एक सीटी आया, अब इसको गैस को कम कर दिए। अभी देखिए बॉयल हो गया, ये देखिए, ये 2 सीटी में बॉयल, 2 सीटी में एक सीटी तेज कर दिए और कम करके 1 सीटी, 2 सीटी में बॉयल हो गया। अब हम फ्राई करते हैं, तो ये देखिए कढ़ाई चढ़ाए, अब ये गर्म होगा तब तक प्याज काटते हैं। इसमें डालेंगे सरसों का तेल, 2 चम्मच सरसों का तेल। चम्मच तो मम्मी है ही नहीं, तो कहां से मैं ये की? अंदाज से, हमारा सब काम अंदाज से ही होता है। हाँ, दवाइयां भी ये गोलियां भी खा लेती है अंदाज से। अजवाइन है, थोड़ा ज्यादा ही क्वांटिटी में डालेंगे इसको, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे इसका खुशबू मस्त हो जाता है ना, तो इसका अंदर का फ्लेवर आ जाता है, फ्लेवर। फ्लेवर आता है। और इसमें हींग डालना, हींग, हींग, ए हिंगराज का हिंग, हिंगराज का हींग डालेंगे। एवरेस्ट का हिंग है ये। हाँ स्मेल इतना गंदा आता है, बाप रे बाप। लेकिन अच्छा है। और ये हो गया ना, अभी इसमें डालेंगे करी पत्ता, हरी मिर्च, हम डालेंगे प्याज, दो कटोरी डाले हैं, 2 प्याज डाले हैं। अभी भून जाएगा थोड़ा। बाद में धनिया पत्ता बाद में डालेंगे। थोड़ा इसमें नमक डालते हैं कि प्याज है ना, सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए हो गया प्याज, अब इसमें दाल को डाल, जो बॉयल हुआ है दाल, इसको अब डाल देंगे। हाँ
गांव में तो खुले में बनाते थे, अभी तो टाइम बचाते हैं। अब देखिए पूरा उतने पानी में हो गया, एक कटोरी दाल दो कटोरी पानी। अभी इसको ठंडा करेंगे तो ये हो जाएगा, भरने लायक हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, इसको फैन के नीचे ठंडा कर देंगे। फिर उसके बाद भर भर के बनाएंगे तो आपको अब ठंडा होने के बाद भर के बनाएंगे, ठंडा हो जाएगा ना, तब इसको भर के बनाएंगे फैन के नीचे। ये देखिए ठंडा हो गया, ये ठंडा हो गया तो इसमें नींबू थोड़ा सा निचोड़ दिए और ये धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं। डाल के मिला देते हैं, नींबू भी निचोड़ दिए हैं। अब इसको भर के बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा भर दिए ना, ऐसे ऐसे करके गांव में बनाते थे इसलिए मैं तेल लगाया करते हैं, चिकना हो गया। ऐसे करके फिर इसमें ये डाल के ऐसे ऐसे क्या बनाते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मोमोज। ये हो गया, ये देखिए हो गया। अब दूसरा देखिए, हम हाथ से ही उलट देते हैं। ए इधर
इसको बोलते हैं पराठा, मूंग दाल का पराठा। बन गया ये। ये देखिए मूंग दाल का पराठा, आइए खाइए चटनी के साथ, अचार के साथ, जिसके साथ मर्जी खाइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।